तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है पीटू। मूवी आई थी 2007 में और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 5.9 की। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमें एक खूबसूरत सी कन्या दिखाई जाती है और इस खूबसूरत सी कन्या का नाम होता है एंजेला। आज के दिन है क्रिसमस और एंजेला चाहती है कि वो घर जल्दी आए, पर अभी एंजेला का काम थोड़ा बाकी है इसलिए वो थोड़ा लेट है। एंजेला को उसके घर से फोन आता है कि तुम कितनी देर में आओगी, काफी लेट हो चुका है। एंजेला कहती है मैं बस थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, इस आदमी का नाम होता है जिम। एंजेला उससे कहती है तुम्हें क्या काम है। तब जिम उससे कहता है कि मुझे उस दिन के लिए काफी बुरा लग रहा, मैं तुम्हारे साथ वैसा नहीं करना चाहता था, उस दिन मैं पी के टुल हो गया था इसलिए मैं बहक गया। एंजेला कहती है ठीक है मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ और तुम भी सब कुछ भूल जाओ। तब जिम उससे कहता है नहीं मुझे दिल से बुरा लग रहा है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और एंजेला को दया आ जाती है और एंजेला उससे कहती है ठीक है मैंने माफ किया। और जिम वहाँ से खुश होकर चला जाता है और हम लोग को यहाँ पे ये समझ में नहीं आता कि आखिर जिम माफी क्यों मांग रहा। एंजेला घर में फोन लगाती है, तब उसकी बहन उससे कहती है कि तुम अभी भी ऑफिस में हो, जल्दी आओ बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और बच्चों का गिफ्ट लाना मत भूलना। तब एंजेला कहती है मैंने सभी सामान ले लिया है, थोड़ा सब्र करो। अब एंजेला का काम खत्म हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कार्ल मिलता है जिसका काम है लोगों की एंट्री करना और ऑफिस के कमरों को लॉक करना। एंजेला उससे पूछती है तुम घर नहीं गए। तब कार्ल उससे कहता है मैं भी तुम्हारे बाद निकलने वाला हूँ। एंजेला को फिर से घर से फोन आता है कि कितना टाइम लगाओगी तुम। एंजेला उससे कहती है बस मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आई रही। एंजेला की गाड़ी खड़ी होती है पार्किंग 2 में जिसको शॉर्ट में बोलते हैं P2। अब एंजेला अपनी गाड़ी के पास जाती है पर कमबख्त गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और एंजेला डिसाइड करती है कि अब वो टैक्सी से घर जाएगी और वो अपना पूरा सामान उठाकर वहां से जाने लगती है। पर किसी ने उस गेट को लॉक कर दिया था जिसके बाद एंजेला सिक्योरिटी गार्ड के रूम में जाती है और वो जैसी दरवाजा खोलती है उसके ऊपर कुत्ता भौंकने लगता है जिससे एंजेला की फट जाती है। तभी गार्ड आता है, वो अपने कुत्ते को शांत कराता है। इस गार्ड का नाम होता है थॉमस। एंजेला उससे कहती है मेरी कार खराब हो गई है और मुझे टैक्सी बुक करनी है पर तुमने शायद दरवाजा बंद कर दिया, तो क्या तुम वो दरवाजा खोल दोगे। और थॉमस उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगता है। थॉमस उससे पूछता है तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ। एंजेला उससे कहती है मुझे क्या मालूम। थॉमस उससे कहता है शायद तुम्हारी गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है, मेरे पास एक बैटरी का चार्जर है मैं उससे तुम्हारी बैटरी चार्ज कर सकता हूँ। एंजेला कहती है रहने दो मैं टैक्सी बुला लूंगी। थॉमस कहता है आज क्रिसमस है तुम्हें आसानी से टैक्सी नहीं मिलेगी। और एंजेला थॉमस की बात मान जाती है। अब ये दोनों कोशिश करते हैं पर गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती। थॉमस कभी लाइट बंद करवाता है कभी चालू करवाता है और एंजेला का टाइम वेस्ट हो रहा और घर वाले अलग एंजेला को बार बार फोन लगा रहे हैं। और एंजेला थॉमस से कहती है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो तुमने मेरी हेल्प करी पर गाड़ी स्टार्ट होने नहीं वाली तो प्लीज दरवाजा खोल दो। थॉमस कहता है ठीक है। और जैसे दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं थॉमस एंजेला से पूछता है कि मैंने भी क्रिसमस की तैयारी कर रखी है तुम चाहो तो मेरे साथ भी पार्टी कर सकती हो। अब ये सुनकर एंजेला सोचती है अजीब आदमी है मुझे वहाँ पर घर जाना और ये अपनी पार्टी लगा के बैठा। एंजेला कहती है मैं काफी थक चुकी हूँ मुझे बस घर जाना है और थॉमस वो दरवाजा खोल देता है। अब एंजेला पूरा तामझाम लेकर नीचे आती है और कार्ल को चिल्लाती है पर कार्ल वहाँ पर नहीं होता। एंजेला तुरंत टैक्सी बुक करती है और उसके बाद वो अपने घर वालों को फोन लगाती है और उनसे कहती है मैं लेट हो चुकी हूँ तुम लोग मेरे बगैर पार्टी स्टार्ट कर दो। और अब एंजेला बस टैक्सी का इंतजार करती है कि जल्दी से टैक्सी आए और मैं अपने घर जाऊं। एंजेला को कोई कैमरे से देख रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद एंजेला की टैक्सी आ जाती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है पर वो जैसे गेट के पास जाती है वो गेट लॉक होता है। और यहाँ पर एंजेला को काफी गुस्सा आ जाती है कि आज तो साला पूरा दिन ही खराब जा रहा। वो जोर जोर से कार्लो को आवाज देने लगती है पर कार्लो वहाँ पर नहीं होता। वो टैक्सी वाले से कहती है थोड़ी देर रुको मैं आने वाली हूँ। एंजेला कैमरे के पास जाकर बोलती है कोई अगर मुझे सुन रहा है तो क्या वो दरवाजा खोल सकता है बाहर टैक्सी मेरा इंतजार कर रही। और तभी वो टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है। अब टैक्सी जा चुकी है और एंजेला वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और एंजेला सोचती है कि आज तो पूरे दिन के लग चुके हैं और वो अपने फोन को चालू करके धीरे धीरे आगे बढ़ती है पर तभी वो लड़खड़ा के गिर जाती है। और वो जैसी उठती है उसके पीछे खड़ा होता है थॉमस और वो उसके मुंह पर सिलोचन का कपड़ा रख देता है जिससे एंजेला बेहोश हो जाती है और पूरा अंधेरा छा जाता है। और जैसे ही रोशनी आती है हमें एंजेला की खूबसूरत सी आंखें दिखाई जाती है और जैसे ही एंजेला होश में आती है वो एकदम से उचकने लगती है। अब एंजेला थोड़े नशे में होती है, वो थॉमस से कहती है कि मुझे उल्टी आ रही है। थॉमस कहता है रुको मेरे किए कराए पर उल्टी मत करना। पर एंजेला की उल्टी कंट्रोल नहीं होती और वो जैसी उल्टी करने के लिए साइड में जाती है वो गिर जाती है क्योंकि उसके पैर में चैन बंधी होती है। और एंजेला वहीं पर हरियाली से भरी उल्टी कर देती है। थॉमस एंजेला को उठाकर उसकी कुर्सी पे बैठाता है और उसकी हरी हरी उल्टी साफ कर रहा होता है। अब एंजेला धीरे धीरे होश में आ रही होती है और वो अपने आसपास का माहौल देखती है। टेबल सजी रखी है और खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था है और मेन चीज वो अपनी ड्रेस देखती है जो कि अब काफी संस्कारी हो चुकी है।
इसका मतलब थॉमस ने उसकी ड्रेस बदली है। और एंजेला का गुस्सा अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। वो समझ जाती है कि इस कुत्ते कमीने ने मुझे किडनैप कर रखा है। पर एंजेला अपने गुस्से को काबू में करती है क्योंकि यहाँ पर एंजेला की अटकी थी। पर वो हर लड़की की तरह एक ब्रह्मास्त्र चलाती है जिसको सुनकर किसी भी लड़के का दिमाग खराब हो जाता है। वो उससे कहती है मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर थॉमस की रंगत उड़ जाती है कि ये तो पहले से बुक है। अब थॉमस थोड़ा सनकी जरूर था पर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है। वो एंजेला से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सवाल पूछता है कि वो कहाँ रहता है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, तुम लोगों का चक्कर कब से चल रहा। और वही बातों बातों में समझ जाता है कि एंजेला उसका पप्पू बना रही। वो उससे कहता है तुम झूठ बहुत अच्छा बोलती हो और अब ऐसा ही झूठ अपने घर वालों से कहो कि तुम पार्टी में नहीं आ सकती। और एंजेला भी डर के मारे वैसा ही करती है। वो अपने घर वालों से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ सकती। अब थॉमस एंजेला को एक गिफ्ट देता है और वो जैसे उस गिफ्ट को खोलती है उसके अंदर होती है एक कैसेट। थॉमस उस कैसेट को टीवी पे लगाता है और इस कैसेट में होती है जिम और एंजेला की रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग में जिम नशे में एंजेला के साथ गुटर गूं करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि आखिर जिम एंजेला से माफी क्यों मांग रहा था। वो एंजेला से कहता है मुझे माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा। वो एंजेला की चैन खोलने लगता है और तभी एंजेला उसकी पीठ में चम्मच घुसेड़ देती है और थॉमस का सॉस बाहर निकल आता है। एंजेला भागने की कोशिश करती है और थॉमस उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ में हथकड़ी बांध देता है और उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और ऐसा कहकर वो उसे अपनी गाड़ी में बैठालता है और उसे बिल्डिंग के नीचे ले जाता है। एंजेला उससे पूछती है कि मुझे नीचे क्यों ले जा रहा है। तब थॉमस उससे कहता है तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और वो एक जगह पर गाड़ी रोक देता है और गाड़ी के सामने होता है जिम। अब ये देखकर एंजेला की हलक में आ जाता है। थॉमस उससे कहता है यही है तुम्हारा सरप्राइज। वो एंजेला से कहता है ये लो मेरा डंडा और ऐसा मारना कि पूरा थोबड़ा सूज जाए। तब एंजेला उससे कहती है मैं उसको क्यों मारूंगी, वो लिफ्ट वाली बात तो बहुत छोटी थी और उसके लिए वो मुझसे माफी ही मांग चुका है। वो सिर्फ एक गलत फहमी थी, वो एक अच्छा आदमी है। तब थॉमस उससे कहता है अजी घंटा अच्छा आदमी है, ये ऑफिस की सभी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। और यहाँ पे जिम चिल्ला रहा छोड़ दो भाई प्लीज। और वो गाड़ी से उतर के जिम के पास जाता है और वो जिम को इंसानियत सिखाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियां क्या तुम्हारी बाप की जागीर है, और जबकि खुद ही लड़की को किडनैप किए और दूसरे को ज्ञान दे रहा। और एकदम थॉमस रुक जाता है और वापस घूम जाता है। और हम सभी को लगता है कि थॉमस जिम को नहीं मारेगा पर थॉमस हम सभी को गलत साबित कर देता है क्योंकि वो अपने डंडे से थॉमस का पूरा मुंह फाड़ देता है। और एंजेला ये देखकर पूरी तरीके से सहम जाती है। थॉमस अब गाड़ी में बैठता है। थॉमस अपनी गाड़ी से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उस पर हमला करता है और बेचारे जिम के अंदर की पूरी मैगी बाहर निकल आती है। और तभी एंजेला वहां से भाग जाती है। थॉमस उसका पीछा नहीं करता, उसको बस उल्टी सीधी गाली देता है। एंजेला सीधे भागकर थॉमस के कमरे में जाती है जहां पर वो खतरनाक कुत्ता होता है। वो उस खतरनाक कुत्ते से बचते हुए गेट की चाबी ले लेती है और पार्किंग के दरवाजे के पास पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। और अपने फोन में चेक करती है कि फोन में सिग्नल आ रहा कि नहीं, जो कि उसके फोन में पहले से ही नहीं आ रहा था। और वो उस फोन को दूसरी तरफ रखकर उसमें हेल्प का मैसेज छोड़ देती है और साथ में अपने नाखून का टुकड़ा भी, ताकि अगर बाय चांस कोई आ जाए तो एंजेला के बारे में पता लग जाए। और वहां से भाग जाती है और थॉमस अपने कुत्ते के साथ उसका पीछा करने लगता है। अब एंजेला चाबी से दरवाजा खोलकर लिफ्ट के अंदर घुस जाती है और वहां पे एक हेल्प मांगने का डिवाइस होता है जहां पे वो कहती है मुझे मदद चाहिए, एक आधी बुद्धि का सनकी आदमी मेरे पीछे पड़ा। तभी सामने से आवाज आती है कि वो आधी बुद्धि का आदमी तुमसे प्यार करता है और तुम चुपचाप उसके पास चली जाओ। दरअसल ये थॉमस ही होता है। वो उससे कहता है चुपचाप बाहर आ जाओ, पर वो लिफ्ट के अंदर ही रहती है। जिसके बाद थॉमस लिफ्ट के ऊपर पानी का पाइप डाल देता है और लिफ्ट में पानी भरने लगता है। पर एंजेला थॉमस से कहती है कि सनकी आदमी तो कितना भी जोर लगा ले पर मैं बाहर नहीं आने वाली। और तभी सनकी थॉमस ऊपर से एक बॉडी फेंकता है और ये बॉडी होती है कार्ल की। और ये देखकर दूसरी बार एंजेला की हलक में आ जाता है और एंजेला लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है और कोशिश करती है कि कार्ल उड़ जाए, पर कार्ल बेचारा पहले ही उड़ चुका था। और एंजेला वापस छुपकर भागने लगती है, पर थॉमस यहाँ पे कैमरे में सब कुछ देख रहा होता है और मजे में डांस कर रहा होता है। और थॉमस गाने को पार्किंग के सभी स्पीकर में बजाता है। अब एंजेला सोचती है कि बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो इमरजेंसी में यूज होने वाली कुल्हाड़ी लेकर सभी कैमरों को तोड़ने लगती है और धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ती है। पर थॉमस वहां पर नहीं होता और टीवी पर एंजेला की वीडियो चल रही होती है जहां पर थॉमस एंजेला के कपड़े बदल रहा। और एंजेला को ये देखकर काफी गुस्सा आती है, पर तभी वो कैमरे में देखती है कि पार्किंग के गेट के पास पुलिस वाले आए और एंजेला की उम्मीदें बढ़ जाती है। वो कोशिश करती है कि पुलिस वाले उसकी बात सुन लें, पर तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और उसको 350 वाट का झटका देकर सुन्न कर देता है और बांध कर एक डिग्गी में डाल देता है। अब थॉमस अपनी बॉडी से खून साफ करके पुलिस वालों के पास जाता है।
पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर किसी की आवाज आई थी, हमें अंदर जाकर चेक करना है। और यहाँ पर पहली बार थॉमस की हलक में आ जाता है और पुलिस वाले पूरी पार्किंग का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। अब एंजेला एकदम होश में आती है और उसको महसूस होता है कि पुलिस की गाड़ी आसपास घूम रही है, पर थॉमस बहुत चालाक होता है। वो पार्किंग के स्पीकर में गाना चला देता है ताकि छोटे से छोटी आवाज पुलिस वालों तक ना पहुंचे और पुलिस वाले वहां से जाने लगते हैं। पर एंजेला कैसे ना कैसे करके डिग्गी खोल लेती है और गाड़ी के पीछे भागने लगती है, पर पुलिस वालों को उसकी आवाज नहीं आती और वो उसके फोन के ऊपर से निकल जाते हैं जो उसने सबूत के लिए छोड़ा था। और अब एंजेला के सामने दो लोग हैं, पहला सन की थॉमस और दूसरा उसका खूंखार कुत्ता, और वो उस कुत्ते को एंजेला के पीछे छोड़ देता है। अब एंजेला कुत्ते से बचकर भागने लगती है और एक कार में जाके छुप जाती है, पर वो कुत्ता वहां पे भी आ जाता है। पर इस बार एंजेला कुत्ता का कुत्ता बना देती है, यानी कि उसको मार देती है और कुत्ते के खून से पूरा लथपथ हो जाती है। अब जब थॉमस वहां पर आता है तब अपने कुत्ते को देखकर वो कहता है कि मेरे कुत्ते ने क्या बिगाड़ा था, उसको क्यों मारा, वो तो एक मासूम सा जानवर था। अब थॉमस को कौन बताए कि वो मासूम सिर्फ थॉमस के लिए था। एंजेला एक गाड़ी लेकर पूरी पार्किंग में घूमने लगती है कि शायद कहीं से बचने का रास्ता मिल जाए, पर तभी सामने थॉमस की गाड़ी आ जाती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि करो या तो मरो, और एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर थॉमस चालाकी से गाड़ी मोड़ देता है और एंजेला की गाड़ी पलट जाती है। थॉमस एंजेला के पास आता है, उसको लगता है कि वो बेहोश हो गई। वो उससे कहता है मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, पर तभी एंजेला थॉमस की आंख में कोई नुकीली चीज घुसेड़ देती है और गाड़ी में हथकड़ी से उसका हाथ बांध देती है। वो एंजेला से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता था पर तुमने मेरे साथ ये सब किया। मैं अपनी लाइफ में अकेला पड़ चुका था, मुझे कभी किसी का साथ नहीं मिला, मैं सिर्फ हाथ के भरोसे था। और एंजेला सोचती है ये बेचारा अकेलेपन का शिकार है, चलो इसे छोड़ देते हैं। पर आधी बुद्धि का थॉमस अपना सनकपन दिखाता है और जाती हुई एंजेला को काफी कड़वे शब्द बोलता है जो कभी भी किसी लड़के को लड़की के लिए नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पर एंजेला का दिमाग खराब हो जाता है और एंजेला उसकी करंट देने वाली मशीन से गाड़ी की बहते हुए पेट्रोल में आग लगा देती है और थॉमस जल के अपने कुत्ते के पास पहुंच जाता है। और आखिरकार एंजेला वहां से बाहर निकल जाती है और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी अद्भुत मूवी के लिए सिग्मा एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकाल कर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।